यहाँ भी लिखते हैं क्या, अगर x खाली लिखना है x को, तो लिख सकते हैं इस तरह से e के पावर log x, क्योंकि e और log दोनों कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, तो आ जाएगा x। तो इसी प्रकार से यहाँ भी एक टर्म हम सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे, देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे e के पावर, यहाँ log लिख देंगे log 1 माइनस x के पावर 1 बाई x, क्योंकि e और log दोनों कैंसिल होगा, e और log जब दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचा हुआ पार्ट यहाँ लिखा जाएगा, क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे कि पावर का पार्ट आगे आ जाएगा, पावर का पार्ट आगे आ जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो लिख देंगे, पावर का पार्ट आगे आ गया है 1 बाई x log 1 माइनस x, यहां तक तो टर्म सेट है। अब इसके बाद देखिए क्या, यहाँ पे log 1 माइनस x का फॉर्मूला सेट करेंगे, क्या बात कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर दिया, x कॉमन कर लिया और x x कर लिया और x का वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो आ जाएगा जीरो, तो बचेगा सिर्फ क्या e के पावर माइनस 1, जिसको 1 बाई e लिख सकते हैं, क्लियर हो गए, यही होगा, ये जो मैंने बताया ये सब क्लियर है, देख लीजिए e के पावर इतना का परफेक्ट हो गया ना। नंबर 4 में मैंने फॉर्मूला बताया, मैंने फिर से एक बार जरा देख लीजिएगा मैंने क्या बताया है कि ये e और log का पावर आ जाएगा log 1 plus x का फॉर्मूला मैंने सेट कर दिया है। अब यहाँ की log 1 plus x का एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला 1 by x प्रत्येक में से कॉमन हो जाएगा, देखिए बचा हुआ पार्ट इतना बचेगा, x x कट गया, अब कटने के बाद जो बचा लिख दिया है और x का वैल्यू इनफिनिट पुट करेंगे तो 1 by फट गया 0 होता है, तो बचेगा e के पावर 1 अर्थात e बचेगा, क्लियर सभी बालक, ये तो सॉल्यूशन हो ही गया परफेक्ट रूप में, देख लीजिए सॉल्यूशन में कोई डॉट नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है जो सामने देख रहे हैं, इसका पूरा क्लियर गया, अब इसमें कोई डॉट नहीं रह गया, परफेक्ट हो गए हैं, किसी प्रकार का डॉट नहीं रहा। आज मैंने लिमिट का लास्ट थ्योरी बताया बेस्ड ऑन डिफिनेशन ऑफ ई, इसी तरह से लिमिट मेरा समाप्त हो गया। पुनः अगर लिमिट की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, या कोई भी टॉपिक को डिटेल से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा लाइव क्लास कीजिए, और लाइव क्लास कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ उससे कॉन्टेक्ट करके बात कीजिए और लाइव क्लासेस पूरा कीजिए और पूरा बेहतरीन थ्योरी के साथ कीजिए ताकि कोई डॉट रह न सके, ठीक है। फिर नए थ्योरी के साथ अगले क्लास में आते हैं, जब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहें।